शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसी कारणी से मुख को मोड़ा, बीच भंवर में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बालम, आओ हमारे देश केसरिया बालम, आओ हमारे देश। जी जी खिचड़ी खा लो। अरे तुम्हारे वास्ते तू क्यों खिचड़ी लेके आई है? मैं वो क्या हुआ? घर में मैं आपके वास्ते खाना ना बनाती थी, आपको परोस के खिलाती ना थी मैं? ये बापू का घर ना है बापले, ठाकुरों की हवेली है, और तू ठकुराइन। हवेली की ठकुराइन को नौकरानी के लिए खाना लाना शोभा नहीं देता है। चीची कितनी बार कहा है मैंने आपसे, खुद तो कम से कम अपने आप को नौकरानी ना कहो। और जब ऐसा ही सोचती है ना, तुम्हारे को भी इसी भाषा में बात करना आवे। इस हवेली की ठकुराइन होने के नाते हुक्म देती हूँ मैं आपको, चुपचाप बैठो और खिचड़ी खा लो। चलो बैठो। जी, मैं जानू कि आज रात आपको नींद ना आवे, ये सोच सोच कर ना सो पाऊंगी कि आपका कर्जा दुख रहा होगा। तुम्हारे वास्ते अपनी नींद ना खराब कर रहा सर, माने जो कहा वही सही है। इस तरह तो बार बार मारी तरफदारी करेगी तो कुंवर सा को गुस्सा आएगा। जी जी मैं आपकी नहीं सच की तरफदारी करूं, कौन जाने सच के है, अब तो मरने भी लगने लगा है कि शायद मारे सुनने में ही कोई गलती हो गई होगी। शायद बड़े कुंवर सा निर्दोष होंगे। जी बड़े कुंवर सा के है और के नहीं ये आप भी जानो और मैं भी। नारस है थारे मुंह से अपनी जेठ की बुराई ठीक ना है। तू इस हवेली की भींदड़ी है, इस हवेली की इज्जत थारी इज्जत है। जा, कुंवर सा भी बहुत परेशान हो रहे होंगे, ठाकुर सा का शो शायद उन्हें भी रात भर सोने ना देगा। इस समय उन्हें थारे सहारे की बहुत जरूरत है रसा, और सिर्फ उन्हें ही ना, मासा उमर सबको। हमारी चिंता ना कर, अपनी गृहस्थी संभाल। जी आपकी जान भी जा रही होगी ना, तब भी आप हमारी तसल्ली वास्ते, हमारी खुशी का वास्ता देकर मैंने इसी तरह चुप करावेगी, है ना? जी खिचड़ी खा लेना।
लाइट बंद कर दो। मैंने कहा लाइट बंद कर दो। इस तरह अंधेरे में अकेले बैठने से आपके मन की पीड़ा कम ना होने की कोशिश। तुम दोनों बहनों को प्रॉब्लम क्या है? हाँ, दो पल भी मुझे शांति से नहीं बैठने दे सकते क्या? जस्ट लीव मी अलोन। जाओ यार। दुख बांटने से कम हो वह कोर्स। तुम्हारी बहन रुक्मी ने मुझसे दुखी होने का अधिकार भी छीन लिया। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तो वो पहले ही छीन चुकी है। और अब दीप भाई साहब पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया, पापा साहब की मौत का तमाशा बना दिया। पता नहीं क्यों वो मुझसे इतना नफरत करती है। कदम कदम पर मुझसे बदला लेना चाहती है। पर साहब, जीजी और आपसे नफरत? अरे उनके लिए तो आप ही भगवान हो। और आप ये जानो कुंवर साहब, तो शायद रुक्मी मुझे पत्थर की मूरत समझ रही है जिसके साथ जैसा चाहे वैसा सुलूक किया जा सकता है। आपकी नफरत आपकी सोच पर इतनी हावी हो गई कुंवर साहब की आप जीजी कोई ना अपने आप को भी वो समझ रहे हैं जो आप है ही नहीं। कुंवर साहब, जीजी ने बड़े कुंवर साहब पर झूठा लांछन ना लगाया है। उन्होंने तो वही कहा जो उन्होंने सुना। आप ही बताओ कुंवर साहब, जीजी बड़े कुंवर साहब पर बिना किसी कारण इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगावेगी? जब तुम वहां मेरे पास मेरा दुख बांटने के लिए बैठी थी ना सर, तब एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम एक पत्नी का फर्ज निभा रही। लेकिन नहीं, तुम इस हवेली में सिर्फ और सिर्फ रुक्मी की बहन बनकर रह रही हो, सिर्फ उसकी बहन। बाकी सारे लोगों की भावनाओं से या उनसे तुम्हें कोई वास्ता नहीं। तो चली जाए यहां से। मासा मुंह खोलिए, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया। अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज कुछ खा लीजिए मासा। मासा, याद है आपको जब पापा सा फैक्ट्री जा रहे थे और आप उन्हें तैयार करवा रही थी तो कैसे कहा था उन्होंने, मैं कोई बच्चा हूँ पाठशाला जा रहा हूँ कि जो तू मैंने इस तरह तैयार करवा रही है? अब के छोटे बच्चों की तरह हमारे जन्मदिन पर हमारे को सजा धजा कर पाठशाला भेज दी। और आज आपको देखकर भी ऐसे ही लग रहा है जैसे आप कोई छोटी बच्ची हैं और मुझे आपको स्कूल भेजने की जल्दी है। और जिस तरह आप कुछ भी खाने से मना कर रही है ना, वो भी छोटे बच्चों की तरह है। याद है मासा, पापा साहब उस दिन मासा कुछ बोलिए ना मासा, इस तरह से चुप मत रहिए। अगर आपको मुझे डांटना है तो डांटिए, चाहे तो मुझे थप्पड़ भी मारिए। आपकी चुप्पी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती मासा, प्लीज कुछ बोलिए। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूं।
मिताली आ चुकी है, आपका ही इंतजार हो रहा है। मासा, कमल का सुहाग उतारने की रस्म करनी, और जब तक आप नीचे ना चलेंगी रस्म शुरू कैसे हो पाएगी? मासा, अपने आप को संभालो, मासा संभालो अपने आप को। कैसे संभालो गायत्री, जिन हाथों में सगुण के कंकड़ पहनाए आज उन्हीं हाथों की चूड़ियां तोड़नी पड़ रही है। बारो मेघ तो चलोगी हो, पर कमल की मांग का सिंदूर पूछने याद ना उठ पाएंगे। माँ हो ना, आज भी मन में एक बावरी आस है, जब तक कमल की मांग में सिंदूर भरा है मारो में जहां कहीं भी है वो कुशल है ना, ना ये रस्म मैं ना निभा पाऊंगी गायत्री, ना निभा पाऊंगी मैं। कमल गायत्री जी जी और हमारे से छोटी, क्या हमारा मन मान रहा है उसे विधवा के रूप में देखने का? कमल तो अपने आप को अभी तक सुहागण माने बैठी है, इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही वो। ये रस्म ही शायद उसे वापस होश में ले आवे, सच्चाई का सामना करने की हिम्मत जुटा पावे। मासा, न जाकर भी दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, यही जीवन है मासा, यही जीवन है। चलो चलो मासा। बहुत कोशिश की भाई साहब, लेकिन मासा ने अपने मुंह में एक निवाला भी नहीं डाला। मासा ठीक तो हो जाएगी ना भाई साहब? देख मुमल, हम कोशिश करेंगे कि किसी रुदाड़ियां आ गई, कमल को सुहाग उतारने की रस्म के लिए नीचे ले जाना होगा। सुहाग उतारने की रस्म? हाँ मुमल, ये चूड़ियां, ये सिंदूर देवर जी के जाने के बाद कमल का इन चीजों से हक छिड़ गया है। यानी वो रुदालिया छाती पीट पीट कर रोएंगी और सबके सामने मासा के मांग का सिंदूर मिटाया जाएगा, उनके उनके गहने उतार दिए जाएंगे। दिस इज क्रूर, मैं मासा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुमल ठीक कह रही है, मासा को इतना बड़ा सदमा पहुंचा है, कल से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसे बुत बनकर बैठी है, और ऐसे में ये सब। दादी सर, हमें सारे रीति रिवाज निभाने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो देख ही रही है ना दादी सर, वापस आके जाने का दुख मासा महसूस कर रही है, तो फिर ऐसे में उनके दिल को और ठेस पहुंचाने की क्या जरूरत है? मन तुम्हारा भी नहीं मानता रणवीर, अपने ही घर की बिंदड़ी का सुहाग उतारना यानी
अपने ही हाथों अपने बेटे की आहुति देने बराबर। पर एक माँ की फर्ज निभाने जा रही हूं सिर्फ इसी आशा कि ये सारे रीति सारे रिवाज पार करके कहीं ना कहीं शायद मेरी मेघ की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल जाए। मासा को तकलीफ में देखकर पापा सा को कैसे शांति मिल सकती है? इस रस्म के बाद जब थारी मासा अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करके दोबारा जीवन शुरू करने की कोशिश करेगी तो क्या ये देखकर तने शांति ना मिलेगी? रणवीर को सुकून ना मिलेगा? ये सारी रस्में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है बेटा, और जीवन का बहाव रोकने वाले हम कौन होवे हैं? हाँ, लेकिन दादी सा चुका है।